केचुआ खाद के कई लाभ होते हैं। केचुआ आप देखोगे कि केचुआ खाद में जो पोषक तत्व है वो गोबर खाद या कोई भी जैविक खाद है उसकी तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। उस केचुआ खाद में मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व, फिर हार्मोन्स होते हैं, बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने पौधे की जो वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। केचुआ मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो अच्छे से बढ़ाता है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है, इससे पूरा जो पौधे का विकास है वो अधिक होता है और हमारी उपज भी बढ़ जाती है। तो केचुआ खाद का जो मात्रा है हर पौधे के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे अनाज के पौधे हुए तो उसमें 3 से 5 टन पर हेक्टर के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जी फसल हो जाएगी तो उसमें 5 से 7 टन पर हेक्टर के हिसाब से हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अगर कोई फल पौधे होंगे उनकी उम्र के हिसाब से 3 से 10 केजी पर पौधा फल पौधे में उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास गमले में पौधे हैं या जो भी फूल वाले पौधे हैं उसमें 100 ग्राम पर गमला हमें केचुआ खाद का उपयोग करना चाहिए, इससे हमें अधिक लाभ मिल पाएगा। केचुआ खाद डालते समय आप देखिए कि केचुआ खाद का भी इस्तेमाल है ना, हम फसल लगने से 1 सप्ताह पहले या 15 दिन पहले इस्तेमाल कीजिए, जिससे जो पोषक तत्व है वो जब फसल लग जाएगी तो उसे उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि केचुआ खाद और या फिर कोई भी जैविक खाद है वो धीरे धीरे पोषक तत्व अपना रिलीज करता है। तो इसका जो भी डालने की विधि है वो 8 से 15 दिन पहले हमें अपने खेत में डालना चाहिए।